महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान की जीत के जश्न में उनके समर्थक बेकाबू हो गए और इतने बेकाबू हो गए कि एक पुलिसकर्मी की लिंचिंग तक की कोशिश कर दी। पुलिस की मॉब लिंचिंग की कोशिश, भीड़ को कंट्रोल कर रही पुलिस को जड़ा थप्पड़। चुनाव में जीत का जश्न किस कदर हिंसक हो जाता है वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। एक पुलिसकर्मी को घेर कर उसके साथ बदसलूकी करती है भीड़। महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक साजिद खान पठान के समर्थकों की है। जहां जीत से उत्साहित भीड़ हंगामा कर रही है तो पुलिस को भी निशाना बना रही है। शनिवार को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। सभी जगह समर्थकों ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट की जीत का जश्न मनाया, लेकिन बेलगाम समर्थकों के हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें अकोला के मालीपुर चौक की है, जहां विजय जुलूस में शामिल भीड़ ने जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ अकोला के रामदास पेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान की जीत के जश्न में उनके समर्थक बेकाबू हो गए और इतने बेकाबू हो गए कि एक पुलिसकर्मी की लिंचिंग तक की कोशिश कर दी। पुलिस की मॉब लिंचिंग की कोशिश, भीड़ को कंट्रोल कर रही पुलिस को जड़ा थप्पड़। चुनाव में जीत का जश्न किस कदर हिंसक हो जाता है वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। एक पुलिसकर्मी को घेर कर उसके साथ बदसलूकी करती है भीड़। महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम सीट से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक साजिद खान पठान के समर्थकों की है। जहां जीत से उत्साहित भीड़ हंगामा कर रही है तो पुलिस को भी निशाना बना रही है। शनिवार को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। सभी जगह समर्थकों ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट की जीत का जश्न मनाया, लेकिन बेलगाम समर्थकों के हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें अकोला के मालीपुर चौक की है, जहां विजय जुलूस में शामिल भीड़ ने जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ अकोला के रामदास पेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।